स्टूडेंट आप प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने सभी प्लेलिस्ट को टॉपिक वाइज अरेंज कर रखा है, सो आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट की कंप्लेन आती है सर ये टॉपिक नहीं मिल रहा है या वो टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो आपको यहाँ पे बिल्कुल टॉपिक वाइज मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज कर रखा है, सो आप यहाँ पे जाके मेरी सभी वीडियोस को देख सकते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, जहां पे मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी के मैथमेटिक्स के लिए वीडियोस, और अगर आप आईआईटी जेएमएस सीएसआर नेट या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछी जाती है, वहां पे मेरा जो यूट्यूब चैनल है वो बहुत ही हेल्पफुल है। और स्टूडेंट यहां पे मैं आज आपके सामने ले रहा हूं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे बेस्ड एरिया प्रॉपर्टी जो होती है उस पे मैं कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। स्टूडेंट इससे पहले मैं एरिया प्रॉपर्टी पे एक वीडियो और अपलोड कर चुका हूँ, जो यहाँ पे IT12 यहाँ पे जाके आप मेरे वो वीडियोस को देख सकते हैं। और स्टूडेंट मैं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और बीएससी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी काफ़ी अच्छा कंटेंट यहाँ अपलोड कर रहा हूँ, अगर आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छा कंटेंट मिल जाएगा। फिर भी कुछ चीज़ें टॉपिक्स बाकी रह गए, वो टॉपिक मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ और बहुत जल्दी मैं उस पर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड करूंगा। सो स्टूडेंट वो भी आप यहाँ पे आईटेप पे जाके मेरे वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लें, सो देट कि मेरे जितने भी वीडियोस अपलोड करता हूँ उनकी नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिलते रहे। सो स्टूडेंट देखिए यहाँ पे जो एरिया प्रॉपर्टी होती है उस पे बेस्ड क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था कि आपको अगर बाई चांस क्वेश्चन में ये दे रखा है कि इसका मीन ये है और स्टैंडर्ड डेविएशन ये है और आपको उसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए बोले, तो वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर आपको यहां पे प्रोबेबिलिटी का रेंज दे रखा है कि इस परसेंट इस इतनी इससे इसकी प्रोबेबिलिटी इतनी पर इतनी दे रखी है और इसके बीच में इतनी है और इससे ज्यादा इतनी है, तो आपको ये बोला जाएगा कि फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट उल्टा काम करना है, जो मैं इससे पहले वाले वीडियो में जो बताया था उसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करना है आपको, ठीक है ना। तो वो कैसे करते हैं ये मैं आपको समझाना चाहता हूं। तो देखिए क्वेश्चन, इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% ऑफ द आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64, देन फाइंड द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टूडेंट आपको यहां पे मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा है, इससे पहले वाले जो वीडियो थे उसमें आपको उल्टा काम दे रखा था, आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था और आपको प्रोबेबिलिटी निकाल ली थी, अभी यहां प्रोबेबिलिटी दे रखी है और आपको मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखो कैसे करेंगे यहां पे, तो वही आपको यहां पे एक ग्राफ खींचना पड़ेगा लाइक बेल शेप जो होता है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। अब देखिए अब यहां पे आपको क्या दे रखा है, आपको ये दे रखा है कि इन ए नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% आइटम्स आर अंडर 45, है ना। तो पहले एक काम करते हैं, छोटी सी एक टेबल भी बना लेते हैं सो दैट की आपको हेल्प करेगी, है ना। तो मैं यहां पे एक टेबल बना लेता हूं, ठीक है ना। तो यहां पे अपन लिख देते हैं, देखो यहां पे क्या दे रखा है, अंडर 45, तो मैं लिख दूं यहां पे x इज लेस देन 45 और कितने हैं ये 31%, ठीक है। और ये आपको दे रखा है एंड 8% आर ओवर 64, और 64 से ज्यादा है ये आपको दे रखा है कितना 8%, दैट इज 0.08। तो देखो आपको ये दे रखा कि मैं यहां पे ऐसा लाइन खींच देता हूं ताकि क्लियर हो जाए ना, सो 45 से कम जो है वो 31% है और 64 से ज्यादा है वो 0.08 है, तो भैया इसके बीच में जो होगा वो कितना होगा, देखो टोटल 100% होता है तो 31 और 8 पर 39 हो गया, तो 61% होगा, इसका मतलब 45 और 64 के बीच में जो होगा वो कितना होगा 61% होगा, क्लियर है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, इस तरह से आपको टेबल बनानी पड़ेगी और इस टेबल को हम ग्राफ की फॉर्म में लेके आएंगे। ध्यान दीजिए क्या करेंगे, 31% मान लीजिए 31% ये यहाँ रहेगा, है ना, और ये जो है ये हमारा क्या है 31%, और इसको मैं ले लेता हूँ x1, है ना, और यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी देर की है 45, है ना, 45 और 45 से जो कम है वो कितना देखा आपको 31, दैट इज 0.31, इसका जो एरिया है वो 0.31। आप बोलोगे सर आपने इधर ही क्यों बनाया, इधर क्यों नहीं बनाया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 45 और 45 से छोटा, ऑब्वियसली माइनस इन्फिनिटी इधर होता है प्लस इन्फिनिटी इधर होता है ना, तो इससे छोटा इधर ही आएगा, इसे मतलब और तो हमारे पास कोई पॉसिबिलिटी है नहीं, है ना। और आपसे बोल रहा है कि ओवर 64, मतलब 64 और 64 से ज़्यादा ज़्यादा आपको अपर लिमिट नहीं दे रहे कि कुछ भी हो सकता है, इन्फिनिट भी हो सकता है ना। ये आपका x2 दे रखा है, ये कितना है आपका 64, और यहाँ पे जो आपको वैल्यू दे रखी है वो कितनी दे रखी है 0.08, क्लियर। अब आपको ध्यान दीजिए स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा कंसेप्ट समझाना चाहता हूँ कि देखो ये जानते हैं ये वाला जो पोर्शन होता है ये कितना होता है 50% होता है, अब यहाँ पे 31% है तो ऑब्वियसली ये कितना होगा 19% होगा, ठीक है ना। और देखो ये भी 50% होता है, हम जानते हैं 8 है तो ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा 42% होगा। ये समझ में आया कि नहीं है, देखो ये समझने की जरूरत है, ये 50% होता है, ये 50% होता है, देखो 31% तो ये इतना पोर्शन है तो ऑब्वियसली ये वाला जो पोर्शन होगा ये 19% होगा और ये 8% है तो ऑब्वियसली ये वाला पोर्शन कितना होगा 42% होगा, है ना। तो ये आप थोड़ा सा बना लीजिए ताकि जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको ध्यान देने की जरूरत पड़ेगी। स्टूडेंट हमने मान लिया कि इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो z1 है वो होना है x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो z2 है वो है आपका x2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यहाँ पे z1 ले लेता हूँ,
इसके कॉरस्पॉन्डिंग में यार Z2 ले लेता हूँ, यहाँ पे Z कितना होता है, जीरो होता है ना, ठीक है। मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z1 ले लिया है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z2 ले लिया और इसको हमने इस तरह से लिख दिया, ठीक है ना। अब ये जो X1 की वैल्यू 45 आप उठा के यहाँ रख दीजिए, कितना आएगा देखो, 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 64 रख दीजिए तो ये आएगा 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, क्लियर है। अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, है ना। अब देखो, जीरो से मैं आपको थोड़ा सा कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ, ध्यान देना। Z1 से जीरो, देखो Z1 से जीरो वाला जो है उसके एरिया कितना देखा, यहाँ पे देखिए आप, मैं यहाँ लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आएगा, मैं इधर लिख देता हूँ, है ना, ध्यान दीजिएगा। Z1 से Z से जीरो, ध्यान दीजिएगा, Z1 से Z, देखो ये वाला पोर्शन, ये मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसको Z1 माना, ये जो है ये Z1 वाली लाइन है ना, तो Z1 से जीरो है ना, Z इज इक्वल टू जीरो, इसकी वैल्यू कितनी है, 19 है, तो मैं इसको लिख देता हूँ 0.19। और यहां पे देखिए आप, यहां पे कितना देखा, ध्यान दीजिए, जीरो से Z2 कितना आ रहा, देखो यहां पे 42, भैया मैंने इसको Z2 माना है, ध्यान दीजिएगा, मैंने इसको क्या माना है, Z2 माना है यहां पे, है ना, इसको क्या लिया मैंने, Z2 लिया, ठीक है ना, और इसको मैंने इसके कॉरस्पॉन्डिंग Z1 लिया, ठीक है ना। तो Z2 से जीरो इसकी वैल्यू कितनी है, 42% है ना, तो 0.42 ले लिया, क्लियर, मुझे लगता है आपको यहां पे समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो, ध्यान दीजिए, मैं यहां पे Z1 से ले रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल सही है, और ये माइनस Z1 ले लीजिए ताकि नेगेटिव साइड दे, तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब हमें क्या चाहिए, देखो आपको करना क्या है, आपको यहां पे म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है ना। तो आपको यहां पे Z1 और Z2 की वैल्यू चाहिए। स्टूडेंट, इससे पहले वाला जो मेरा वीडियो था जहाँ पे मैंने आपको टेबल देखना सिखाया था, तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आपको 0 से Z से अगर आपको किसी की वैल्यू चाहिए, जैसे आपको वैल्यू बोल दी जाए कि 0.19 की वैल्यू मतलब यहाँ पे दे दिया जाए 0.19 की वैल्यू निकालो, है ना, तो आप आराम से यहाँ चेक करके बता सकते हो 0.19 कहाँ आ रहा है, हाँ यहाँ आ रहा है 0.19, तो इसकी वैल्यू 0.5 हो जाएगी, ये आप समझ सकते हो, है ना। अब देखो हो क्या रहा है, ध्यान दीजिए, है ना, यहाँ पे हमने ये वैल्यू निकाल दी, सॉरी मैंने एग्जैक्ट 0.5 यहाँ लिख दीजिए, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.19 आ जाएगी, है ना, 0.19, ठीक है। अब उल्टा काम करना है, देखो अभी क्या हो रहा है कि आपको Z1 निकालना है और आपकी आपको इस Z1 की वैल्यू देगी 0.19, है ना, उल्टा काम करना। देखो हम मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको 0 से 0.5 की वैल्यू निकालनी, तो हम टेबल के अंदर देखते थे कि यार 0.5 की वैल्यू कहाँ आ रही है, हाँ यही आ रही है, इसका आंसर होगा, पर अब उल्टा काम करना है, अब आपको देखा इसकी वैल्यू 0.19 है, तो बताओ Z1 क्या होगा। तो देखो पॉइंट आपको अंदर इस टेबल में ढूंढना है कि 0.19 किधर आ रहा है, तो आप देख रहे हो 0.19 यहाँ आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग हमारा जो Z है वो कितना आ रहा है, 0.50 दिख रहा है, ये 0.54 ये यहाँ पे और ये इधर, है ना, तो 0.50 आ रहा है ना। तो ध्यान दीजिए आप क्या करेंगे यहाँ पे, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो Z1 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 0.5 आएगी, और स्टूडेंट देखिए यहाँ पे नेगेटिव साइड, इसलिए यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा आपको समझने की जरूरत है। मैं फिर से बता दूं आपको, जो इससे पहले मैंने क्वेश्चंस बताए थे वहां पे मैंने आपको बताया था कि जीरो से Z से वन की वैल्यू आपको निकालनी है, तो आप आराम से किस जो भी वैल्यू टेबल के यहाँ पे वन आ रहा है, यहाँ पे जीरो आ रहा है, जो भी वैल्यू होगी वो उठा के हम रख देते थे, वो हमारा आंसर आ जाता था। पर अगर यहाँ पे Z1 दे दे और यहाँ पे कुछ वैल्यू दे दे आपको 0.19 या कुछ भी, तो आपको अंदर देखना पड़ेगा कि 0.19 अंदर कहाँ रह गया, 0.19 यहाँ रह गया, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू 0.5, मतलब ये Z1 की वैल्यू कितनी होगी, 0.5 होगी, मतलब ये आपको देखने का तरीका होता है, ठीक है ना। तो इधर देखिए, जैसे 0 से Z2, तो स्टूडेंट इस टेबल के अंदर देखेंगे कि ये 0.42 कहाँ आ रहा है, तो 0.4207 मतलब 0.42 के जो करीब आ रहा है वैल्यू, वही आ रही है, तो आप देखेंगे इसके अंदर यहाँ पे और यहाँ पे इसको मिलाएंगे आप, है ना, एक्चुअली ये वैल्यू यहाँ जा रही है ना, तो आप देखेंगे तो यहाँ पे जो Z2 की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 1.41 आएगी, और स्टूडेंट ये प्लस आएगी क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में, देखो यहाँ Z0 होता है, यहाँ Z नेगेटिव होता है, यहाँ Z पॉजिटिव होता है, क्योंकि नेगेटिव साइड है, इसलिए यहाँ Z1 को हम नेगेटिव लेंगे और यहाँ Z2 को हम पॉजिटिव लेंगे। तो आपके पास यहाँ Z1 की वैल्यू आ गई -0.5, Z2 की वैल्यू 1.41 आएगी, ये उठा के यहाँ रखेंगे, तो हमारे पास, मैं इस इक्वेशन को वापस लिख देता हूँ यहाँ पे, है ना। तो देखो हमारे पास क्या वैल्यू थी, Z1 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये Z1 की वैल्यू रखेंगे, माइनस का 0.5 इज इक्वल टू 45 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और म्यू को इधर लाएंगे, तो ये आएगा म्यू माइनस 0.5 सिग्मा इज इक्वल टू 45। हमारे पास म्यू और सिग्मा में एक इक्वेशन मिल गई। इसी टाइप से ये वाली जो इक्वेशन है इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे आपको दे रखा है Z2 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, Z2 की वैल्यू आपको दे रखी है 1.41 इज इक्वल टू 64 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, है ना, और यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो म्यू प्लस 1.41 सिग्मा इज इक्वल टू 64,
और इस वाली इक्वेशन और इस वाली इक्वेशन को दोनों को हम सॉल्व करेंगे और यहां से हम किसकी वैल्यू निकालेंगे, म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे ना। तो यहां पे हमारे पास जो म्यू की वैल्यू आएगी और सिग्मा की वैल्यू आएगी वो हमारे पास आएगी यहां पे, देखिए आप जब जैसे आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पे जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारे पास 49.97, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 50। और जब आप सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी हमारे पास 9.95 which is approximately 10। तो ये हमारा म्यू का वैल्यू आएगा और ये हमारा सिग्मा का वैल्यू आएगा, है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। सो यहाँ पे देखिए ये जो मैंने क्वेश्चन समझाया इसके अंदर मैं सीधी सीधी बात बताना चाह रहा हूँ कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन 31% आइटम्स आर अंडर 45 एंड 8% आर ओवर 64। आपको यहाँ पूछ रहा है कि मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं, तो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि आपको पहले ये टेबल बनानी है, इस टेबल से फिर आपको ये ड्रॉ करना है बेलशेप डायग्राम और देन उससे आपको यहाँ पे Z1 और Z2 में इक्वेशन निकालनी है, उससे आपको दो इक्वेशन मिलेगी म्यू और सिग्मा में, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास म्यू और सिग्मा की वैल्यू आएगी। स्टूडेंट यहाँ पर टेबल देखने का तरीका जो मैंने आपको समझाया वो ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे Z1 से जीरो का जो एरिया है वो दे रखा 0.19। देखो पिछले क्वेश्चंस के अंदर हम क्या करते थे कि हमें यहां पे वैल्यूज दे रखी होती है और उसका एरिया हम निकालते थे अंदर, है ना। ठीक है, अभी क्या हो रहा है, एरिया आपको दे रखा है और आपको क्या निकालनी, वैल्यू निकालनी Z1 की, तो आपको उल्टा काम करना पड़ेगा, टेबल के अंदर से देखनी पड़ेगी वैल्यू, जो मैंने आपको भी निकाल के सिखाई कैसे हम इसको निकालते हैं और आप टेबल से भी और समझ सकते हो यहां पे। तो स्टूडेंट मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं आप ताकि आपको कांसेप्ट इसके ऊपर क्लियर हो। सो स्टूडेंट देखिए यहां पे क्वेश्चन आपको दे रखा है, इफ स्कल्स आर क्लासिफाइड एज ABC according to as the length breadth index as under 75 between 75 and 80 and or 80 find the approximately the mean and standard deviation with same type of question of a series in which a are 58% b are 38% and c are 4% being गिवन। इफ यहाँ पे आपको टेबल की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, तो कभी कभी क्वेश्चंस में आपको टेबल की वैल्यू गिवन है, कभी कभी आपको टेबल के से हेल्प से निकालनी पड़ेगी, जैसे गिवन है ना। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको कैसे ये देख के आप निकाल भी सकते हो, जैसे आपको दे रखा है कि 0.20, तो 0.20 की वैल्यू 0.08 दे रखी है, देखो 0.20 मतलब 0.2 तो यहाँ और 0 यहाँ, इसकी वैल्यू कितनी है 0.793 दे रखी है ना, मतलब वो अप्रोक्सीमेटली 8, तो 0.08 की वैल्यू 0.20, देखो 0.20 की वैल्यू 0.008 होती है और इसकी वैल्यू ये होती है ना, तो दोनों आपको निकालना आना चाहिए, है ना। ऐसी 1.75 है तो 1.7 और 0.05 की वैल्यू दे रखी 0.4599, दैट इज 0.46 दे रखा है ना। तो ये आपको थोड़ा सा अभी मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कैसे हम करेंगे ना। तो पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, टेबल बनानी पड़ेगी इसकी, ठीक है ना। एक बार हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पे, है ना। टेबल में क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है यहाँ पे कि क्या दे रखा है, ABC, है ना। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ A, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं B और यहाँ पे लिख देता हूँ मैं C, ठीक है ना। एज द लेंथ एंड ब्रेड इंडेक्स, एक क्या दे रखा है अंडर 75, तो ये आपको दे रखा है, मैं इसको लाइन यहाँ खींच देता हूँ, एक्स इज यहाँ दे देते हैं, एक्स इज लेस देन 75 दे रखा है आपको, है ना। ठीक है, बिटवीन 75 एंड 80, ये आपको दे रखा है 75 एंड 80 और ये दे रखा है आपको ओवर 80, ठीक है। अब आपको याद रखा है ए सीरीज इन विच ए आर 58%, आपको जो ए दे रखा है वो जी रखा है 0.58, है ना, 58 मतलब 0.58, बी आर 38%, दैट इज बी यहाँ पे कितना दे रखा है 0.38 और सी जो दे रखा है वो 4% है, दैट इज कितना दे रखा है 0.04। तो ये आपको टेबल में बनाना है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हम वही बेल शेप डायग्राम बनाएंगे इसका, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का डायग्राम होता है, है ना। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, अब आपको यहाँ दे रखा है, थोड़ा सा मैं इसको नीचे ले लेता हूँ ऐसे, है ना। तो यहाँ पे आपको दे रखा है एक्स इज लेस देन 75 और ये 58% है, तो देखो हम यहाँ से चलेंगे, ध्यान रखना है ना, लेस देन 75 पे यहाँ से चलेंगे, क्लियर है। ये माइनस इन्फाइनेट होता है, ये प्लस इन्फाइनेट होता है ना। अब देखो ये 50% है, तो 58% ऑब्वियसली इधर से होगा और यहाँ पे होगा हमारा 75, है ना। तो X1 हमारा क्या होगा 75 होगा, है ना, और यह हमारा क्या होगा, ये लाइन, ये ऐसी लाइन होगी इसकी, है ना, और ये जो एरिया है ये हमारा कितना होगा 58% होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, है ना। 75 और 75 से नीचे 58% एरिया है ना, तो 50% तो ये और 8% और ये हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो एरिया बीच में दिख रहा है ये कितना है, ये 0.08 है, ये ध्यान देने की जरूरत है, ये कितना होगा 0.08 होगा और ये हमारे पास कितना होगा 0.50 होगा, टोटल मिला के 58% हो रहा है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे 75 से 80 के बीच में 30, पहले बाद में हम क्या करते हैं, पहले ये लेस देन वाला और ग्रेटर देन वाला निकाल लेते हैं, बीच वाला अपने आप आ जाएगा, है ना। और ओवर 80 दे रखा आपको 4%, है ना। तो ओवर 80 मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये ओवर 80 है ना, तो ये हमारे पास कितना आ रहा है, ये 80 आ रहा है ना, और ये हमारे पास कितना दे रखा है 4% दे रखा है,
तो मैं यहाँ ले लेता हूँ, ये आपका जो एरिया ये ले लेता हूँ मैं, है ना। और ये आपको कितना दे रखा है, 4% दे रखा है। ये वाला कितना है, 0.04। तो भैया ये 0.04 है और ये 58 है, तो बीच वाला ए और बी के बीच में जो एरिया दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको, 0.38 दे रखा है। ये अंडरस्टूड है आपके साथ। सो यहाँ पे दे रखा है कि 75 से नीचे 58% है, 75 और 80 के बीच में 38% है, और 80 से ऊपर जो है वो 4% है ना। अब इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप Z1 मान लीजिए, इसके कॉरस्पॉन्डिंग में क्या मान लेता हूँ, Z1। तो Z1 इक्वल टू क्या होगा, X1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा होता है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग में Z2 मान लेता हूँ, दैट इज X2 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख सकता हूँ, Z1, और यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिख सकता हूँ मैं, Z2। और ये हमारा यहाँ पे हमारा Z क्या होता है, 0। चलो Z1 थोड़ा सा ऊपर लिख देता हूँ, ये मेरा Z2 हो गया। ठीक है ना, इसके कॉरस्पॉन्डिंग मैंने Z2 ले लिया। ओके, अब ध्यान देते हैं, है ना। अब यहाँ हम Z1 की वैल्यू रख देते हैं, कितना सॉरी X1 की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे, 75 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, और यहाँ पे Z2 कितना आएगा, ये 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, हमें एरिया चाहिए, हमें चाहिए 0 से Z1 कितना है, है ना। तो 0 से Z1 देखिए आप क्या आएगा, पी 0 से Z1, है ना। ऑब्वियसली पॉजिटिव साइड है, और आप देख रहे हो 0 से Z1 का एरिया कितना है, 0.08 है ना। ये 0.08 लिख देते हैं, ठीक है ना। और अब यहाँ देखते हैं, इसको भी देख लेते हैं, क्या दे रखा है आपने, 0 से Z2। देखो आपको जो भी वैल्यू चाहिए वो 0 से चाहिए, है ना। तो 0 से Z2, तो देखो यहाँ पे ये 38 है, और 0 से करेंगे तो 0.8 और ऐड हो जाएगा, तो यहां से हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0.08 प्लस 0.38। ये ध्यान देने की जरूरत है, स्टूडेंट यहां कंफ्यूज हो जाता है, आपको 0 से वैल्यू निकालना, क्योंकि जो टेबल दे रखी होती है, जो वैल्यू दे रखी है 0 से दे रखी है आपको, है ना। तो आपको 0 से करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसको ऐसा लिख देता हूं, 0 से Z1 तो खैर दे ही रखा है। अब आपकी इसकी वैल्यू जो है, मैं इसको थोड़ा पहले सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, यहाँ पे ले लेता हूँ इसको, 0 से Z2 मेरे पास कितना आ जाएगा, 0.46। स्टूडेंट यहाँ पे देखो आप, अगर इस तरीके भी देख लो आप, तो 0.08 इस टेबल के अंदर ढूंढोगे तो 0.9793 जो है वो अराउंड 0.08 के करीब आ रहा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, Z1 की 0.2 होगी। और स्टूडेंट ये पॉजिटिव साइड है, इसलिए यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी, नेगेटिव नहीं रहेगी, ये ध्यान देना है ना। और इधर देखो 0.46, स्टूडेंट 0.46 की जो अप्रोक्सीमेट कर जो वैल्यू नियर वैल्यू है वो 0.4599 है, तो इसकी कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू होगी 1.75, है ना। तो यहाँ से Z2 दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 1.75 दे रखा है। और इधर भी आप देखो, आपको जो वैल्यू गिवन है, देखो आपको यहाँ दे रखा है 0.08, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग Z1 कितना आएगा, 0.20, है ना, ये 0.20 ही। और आपको ये दे रखी है 0.46 की वैल्यू, ये कितना दे रखा है, 1.75, तो यार है। तो इसको देखोगे तो भी वही करना, इसको देखेंगे तो भी वही करना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास ये Z1 आ गया, और यहाँ से हमारे पास Z2 आ गया, ये Z1 की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो क्या आएगा यहाँ पे, 0.2075 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। तो यहाँ से आपके पास आएगा ये म्यू प्लस 0.20 सिग्मा इज इक्वल टू 75, एक इक्वेशन आपको यहाँ मिलेगी। और यहाँ रखोगे आप 1.75 इज इक्वल टू 80 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा म्यू 1.75 सिग्मा इज इक्वल टू 80। स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे, और यहाँ से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, म्यू और सिग्मा की वैल्यू निकालेंगे, और वही हमें काम करना है यहाँ पे, मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो यहाँ से जो म्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी आपके पास 174.4 आएगी, और सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 3.5 आएगी इन इक्वेशन को सॉल्व करने पर, और ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो स्टूडेंट मुझे लगता है कि जो एरिया ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे मैंने दो वीडियो लिए हैं, और दूसरा वाला जो टॉपिक है जिसके, देखो फर्स्ट वाले वीडियो में तो मैंने आपको बताया था कि आपको प्रोबेबिलिटी दे रखी है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और म्यू वहाँ पे म्यू और स्टैंडर्ड डेविएशन दे रखा था, और आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी थी। इसमें आपको उल्टा काम दे रखा है कि इसमें आपको प्रोबेबिलिटीज दे रखी है, और आपको स्टैंडर्ड डेविएशन और मीन निकालना है, ठीक है ना। तो मुझे लगता है कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा स्टूडेंट, और मेरे वीडियोस आपको ज़रूर हेल्प कर रहे होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई आपके लाइक डाउट्स हैं, तो आप मुझे यहाँ पे, देखो डाउट्स का मतलब ये होता है कि क्वेश्चन नहीं पूछे यहाँ पे ना, कोई आपके लाइक करियर से रिलेटेड या किसी कंसेप्ट से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए तो उस पर आप मुझे यहाँ पे बता सकते हैं। पर स्टूडेंट आपके जो व्हाट्सअप मैसेजेस आते रहते हैं कि सर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो या वो क्वेश्चन सॉल्व कर दो, मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मैं आपके इन क्वेश्चन का आंसर दे पाऊँ, तो आप मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करें। आप कमेंट ज़रूर करते रहिए, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो मैं पढ़ता हूँ और उनको लाइक भी करता रहता हूँ समय समय पर मतलब उनका रिप्लाई करने का मेरे पास इतना टाइम नहीं मिलता है, बट मैं लाइक ज़रूर कर देता हूँ। सो स्टूडेंट बने रहिए मेरे साथ, बहुत ही अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए अपलोड कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा, और आपके जो भी नेक्स्ट जो वीडियोस आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको रिक्वायरमेंट है वो मैं टाइम टू टाइम अपलोड करता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय। और लास्ट में जो ये दो वीडियो दे रखे हैं ये मेरे प्लेलिस्ट के वीडियोज़ हैं, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर जाकर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय।